अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैलिश व्लॉग्स। और ये थे जी, मैं अपने घर जा रही थी, उसके अंदर ये था कि मुझे ज़रूरी एक बहुत ही अर्जेंट काम के लिए वापस जाना पड़ा अपने घर, क्योंकि मेरे लाइसेंस का कोई था इशू, तो फिर वो रिजॉल्व करने के लिए जाना था। और क्योंकि वो हमारे घर के पास ही थे फार्मेसी, तो इस वजह से ना, और जिनको नहीं पता कि मैं फार्मेसिस्ट हूँ बाई प्रोफेशन, और अगर मेरे अल्लाह करे जब कोई ज़्यादा हो सब्सक्राइबर, कभी फॉलोअर ज़्यादा हो गए, तो मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये जी, हमने रास्ते में से डोनर लिया था, डोनर मुझे बहुत ही पसंद है जी, और साथ शेक्स लिए थे, डोनर का इतना मज़ा आया ना हम लोगों को। और ये देखे जी, अजलान के शशके, अजलान साहब को बहुत अच्छा लगा ये दूध ना अपना, और इसको था जी हाथ पीछे ना करो बिल्कुल। नेक्स्ट डे जी, फिर हम सुबह को जल्दी उठ गए 8 बजे ही, और मैं और मेरा भाई गए उस काम के लिए फार्मेसी की तरफ। और मैंने, हमारे यहीं पास ही फैसलाबाद में मेट्रो है, तो मेट्रो उसके ऊपर मेरी फार्मेसी जोन सी बनी हुई है ना, उसके अंदर न्यू ही बनी है, वहाँ पे मेरा लाइसेंस है, तो उसके लिए जाना था कि फ़ाइनल उसकी बस पेमेंट होनी थी और उसके बाद काम मेरा डन हो जाना था। और जिसके लिए मैंने, ये था कि मुझे इधर इसलिए आना पड़ता है बार बार कि मैंने फिर अजलान को मम्मा के पास छोड़ के खुद अपने सारा ये काम कंप्लीट करने में लगी हुई थी कि एटलीस्ट ये काम तो कंप्लीट हो ना, क्योंकि काफ़ी पिछले साल की मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, बट अब आके कहीं ये सारा काम ना रिजॉल्व हुआ है। और ये देखें, ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई सुबह के टाइम ना किसी, मतलब मार्ट पे गए हैं कि पता लगे कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे, तो इतना अजीब भी लग रहा था, बट सही सुकून भी था कि पुरसकून सा माहौल था। इजीली हमने देखी सारी चीज़ें, दिल तो बहुत कर रहा था कि से कितनी चीज़ें खरीद लो, बट ये था कि सुबह सुबह आँखें नहीं पूरी खुल रही थी, तो ये था कि फटाफट जल्दी जल्दी काम कम्प्लीट हो और घर जाएँ हम लोग वापस ना। और फिर हम लोग काफ़ी देर जोन से, मतलब इंस्पेक्शन वालों के साथ हमारी मीटिंग थी, तो वो काफ़ी लेट आए, बट हमने उनका वेट किया। ये देखें, ये थी फार्मेसी का सेटअप, बहुत छोटा सा था, बट ये है कि एक बड़े छत के नीचे ये था, तो इसलिए ना इस चीज़ की बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, बहुत अच्छी जगह है ये ना। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, क्योंकि अजलान साहब ने पीछे से बहुत तंग किया हुआ था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप लोग फॉलो करें, लाइक करें और अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि चैनल जल्दी से ग्रो हो। अल्लाह हाफिज़।